hello students good morning to all in the last previous lecture we have studied about mitochondria double membranous cell organally in today's lecture we will learn about next important cell organally that is present in only plant cells okay uh are again double membranous cell organally double membrane present okay two membranes and outer membrane and inner membrane it is also like mitochondria. It is autonomous cell organelle because it has its own DNA. It has its own ribosomes, so that proteins. Bana sake. Hai? Oh, and uh, there are three types of plastids. First one is your chloroplast. Second one, chromoplast, and third one is leucoplast. Chloroplast helps in storage of green pigment that is required for chlorophyll this chlorophyll is green pigment that is present in majority of plants paye wala jo pigment hai, jo green color provide karta hai plants go that is chlorophyll and this chlorophyll is stored in chloroplast chloro what is for chloroplast and this क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सो वट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देअर ओन फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में दैट इज फोटोसिंथेसिस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट और उसको स्टोर होने के लिए कौन सा सेल ऑर्गन ली चाहिए क्लोरोप्लास्ट ओके नेक्स्ट प्रोसीड टू क्रोमो प्लास्ट प्लास्ट वर्ड इज फॉर प्लास्टेड क्रोमो मीन्स कलर अदर देन ग्रीन अदर जो कलर्स इम्पार्ट करता है प्लांट्स को लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट अपने अंदर कलर पिगमेंट स्टोर करता है लाइक आपकी गाजर है गाजर रेडिश इन कलर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट ऑरेंज ऑरेंजिश इन कलर डिट इज प्रेजेंस ऑफ ऑरेंज पिगमेंट सिमिलरली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्टोर्ड इन द क्रोमो प्लास्ट थर्ड वन इज ल्यूको प्लास्ट ल्यूको प्लास्ट मैक्सिमम इट इज इन स्टोरेज परपज Other than pigments. Pigments ke alawa jo bhi store karna hai. That is in the leucoplast. Leucoplast are of three type. Further three classified in three type. Amyloplast, elioplast and Eleuroplast. Eleuroplast. See uh, this classification is not given in your NCRTs. 9th NCRTs. But here I am telling you. So, these leukoplasts are whitish in color, or you can say colorless. Okay. If these leukoplasts help in the storage of starch, then we will it amyloplast. If it helps in the storage of oils, alioplast. If it helps in the storage of protein, eleuroplast. Okay. So, as we already told you, this cell organally, that is, plasters are. सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनाली दैट इज डबल मेम्ब्रेनस हैं और उनके पास खुद का डीएनए और आरएनए है और डीएनए और आरएनए की हेल्प से डीएनए और राइबोसोम्स की हेल्प से दे कैन फॉर्म प्रोटीन्स प्रोटीन्स बना सकते हैं खुद के एंड हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द प्लास्टिक दैट इज क्लोरो प्लास्ट आउटर मैमब्रेन है इनर मैमब्रेन है फ्लूड प्रेजेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स था सिमिलरली हेयर इज द स्ट्रोमा फ्लूड ओके दी स्ट्रक्चर्स वन टू थ्री ऐसे एक के ऊपर एक जैसे कॉइन्स को रख देते हैं हम एक के ऊपर एक सिमिलरली दी स्ट्रक्चर्स ईच स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेक्कॉइड एंड बहुत सारे थैलेक्वाइड्स मिलकर क्या बना देते हैं ग्रैनम एंड बहुत सारे दिस इज वन ग्रैनम दिस इज सेकेंड ग्रैनम थर्ड ग्रैनम फोर्थ ग्रैनम तो ग्रैनम मिलकर हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे ग्रैना बहुत सारे हैं ग्रैना सिंगल है ग्रैनम ओके और इनको ये ज्वाइन करने वाला है ये आपका स्ट्रोमल लेमिना होता है ठीक है और इसके अंदर आपके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं डीएनए भी प्रेजेंट होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस This is all about plasters. You just go through your NCRTs and check it out. Each and every line, read thoroughly and uh, prepare this topic. Okay. Okay. Thank you, students.